फ़ोन ऐसे टैप करेंगे वैसे ये अनलॉक हो जाएगी। इससे क्या है ना, सर को सपोर्ट मिल जाता है सोते टाइम, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम जेट उड़ा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में ये देखो कितनी जल्दी जल्दी ये चेंज हो रहा है। डुअल बैरल एग्जॉस्ट किया गया है। फ्लाइट में बैठे बैठे हम पीछे सीट पर ट्रे निकाल देते हैं, वैसे अपन इसकी भी ट्रे निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये देखो Hyundai ने अपनी अल्गजार का फेसलिफ्ट वेरिएंट इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जो कि अभी अपने साथ में है। डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी कुछ कंपनी ने इसमें अपडेट किया है, केवल एक्सटीरियर में ही नहीं बल्कि इंटीरियर में भी। आज की इस वीडियो में इसका डिटेल वॉकराउंड करने वाले हैं एंड कंपनी इसमें क्या कुछ ऑफर कर रही है वो सब कुछ जानने वाले हैं। ये अल्गजार का सिग्नेचर 6-सीटर डीजल वेरियंट है, ऑटोमेटिक वाला। आइए इस कार के बारे में सब कुछ जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। कलर सब्जेक्टिव है, जो भी आपको पसंद आया आप उसकी तरफ जा सकते हो। ये इसका ग्रीन कलर है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। नई अल्गजार के साथ में दो चाबियाँ आ रही हैं, पुराना वाला ही डिज़ाइन है। ये देखो यहाँ पर 4 फिजिकल बटन दिए गए हैं, लॉक अनलॉक एंड इसको स्टार्ट करने के लिए एंड इसके टेल गेट को ओपन करने के लिए। यहाँ से अपन इसकी फिजिकल की को भी निकाल सकते हैं। पीछे की तरफ Hyundai की ब्रांडिंग है, कलर ये ब्राउन है, ये देखिएगा। अच्छी बात ये है कि दोनों प्रीमियम रिमोट अपन को इसके साथ में मिल रहे हैं। आइए अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसकी लेंथ है 4.56 मीटर की, विड्थ है 1.8 मीटर की, इसकी हाइट है 1.71 मीटर की। इसमें व्हील बेस अपन को 2760 mm का मिल रहा है और ग्राउंड क्लियरेंस इसमें अपन को 200 mm का मिलता है। अल्कजार की फ्रंट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। सेंटर में अपन को 3D वाला Hyundai का लोगो मिल जाता है। कनेक्टेड इसमें ये देखो DRLs मिलते हैं, साइड टर्न इंडिकेटर LED में, रिफ्लेक्टर LED, हेडलैम्प सेटअप एंड लो बीम हाई बीम फॉग लाइट तो भाई अब कारों से जाने लगी है। इधर ये फ्रंट में एक कैमरा दिया गया है। फ्रंट रेडिएटर ग्रिल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इधर ये एडास मिल जाता है, ये देखो भाई स्किड प्लेट, बम्पर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, फुली फीचर लोडेड है। पियानो ब्लैक का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ये देखिएगा, जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। ये देखो बोनट पर कुछ इस तरीके के एजेस दिए गए हैं, एक यहाँ पर, दो सेंटर में, लुक को काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर बना रहे हैं। रेन सेंसिंग वाइपर एंड रडार इसमें यहाँ पर मिल जाता है एंड रडार कैमरा वाला ऊपर की तरफ वहाँ दिया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORV मिलता है, साइड टर्न इंडिकेटर और ये देखो 360 डिग्री कैमरा जो कि यहाँ पर प्लेस किया गया है। डुअल टोन। बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में कंपनी ने MacPherson स्टड विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन लगा कर दिए हैं, ये देखिएगा। 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉयस इसमें ऑफर किए गए हैं। सेंटर में Hyundai की ब्रांडिंग है। JKK इसमें ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। प्रोफाइल है इसकी 215/55R18। फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, राइट साइड में ऑटो की ब्रांडिंग, डोर क्लैडिंग, कुछ इस तरीके के एजेस मिलते हैं डोर पर एंड यहाँ से रिक्वेस्ट सेंसर चला गया है क्योंकि अब ये फ़ोन से कनेक्ट होकर चलने लगी है। जी हाँ, की कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि चाबी की कोई ज़रूरत नहीं, रिमोट की कोई ज़रूरत नहीं, केवल अपना यहाँ पर आप अपना फ़ोन ऐसे टैप करेंगे वैसे ये अनलॉक हो जाएगी। ये देखिएगा काफ़ी बड़े इसमें ग्लासेस दिए गए हैं, रूफ रेल्स, वाटर ग्लास एंड इसमें कोई भी सनरूफ अपन को नहीं मिल रही है। ये देखो रियर में अपन को शार्क फिन एंटीना। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने ट्विस्ट बीम सस्पेंशन लगाकर दिए हैं एंड रियर में भी अपन को डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है, JKK ट्यूबलेस टायर, सेंटर में Hyundai की ब्रांडिंग, ये देखिएगा। लेफ्ट साइड में फ्यूल लीड दिया गया है, डीजल पेट्रोल दोनों ऑप्शन के साथ में आती है। 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। अल्कजार की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। सेंटर में अपन को Hyundai की ब्रांडिंग एंड अल्कजार को यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। 3D में है लेकिन ग्लास इसके ऊपर दिया गया है, ठीक है। कनेक्टेड इसमें टेल लाइट अपन को मिलती है, ये देखिएगा। इधर ये सिल्वर फिनिशिंग, रियर विंडशील्ड पर वाइपर डिफॉगर दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है एंड वॉशर आई थिंक इधर ये दिया गया है राइट साइड में। इधर ये सिग्नेचर की ब्रांडिंग, रियर बम्पर,
कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। डुअल बैरल एग्जॉस्ट दिया गया है, इधर ये रिफ्लेक्टर, ये देखिएगा पार्किंग सेंसर्स इधर ये दिए गए हैं। ओवरऑल लुक तो इसका काफ़ी ज़बरदस्त है। आइए इंटीरियर देख लेते हैं। सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर ये देखिएगा, एंड कितना ओपन होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा लगभग 80 डिग्री के आसपास अपन को डुअल टोन में इंटीरियर मिल रहा है। इधर ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सॉफ्ट टच दिया गया है जो कि ब्राउन टैन कलर में है। यहाँ पर ये देखो सिल्वर फिनिशिंग, काफ़ी सारे फंक्शनल बटन, एंड यहाँ पर मेमोरी सीट के बटन दिए गए हैं, सिल्वर डोर हैंडल, बॉस का इसमें म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है, टू कप होल्डर्स, एंड यहाँ पर स्पेस इतना मिल जाता है। कोई भी अम्ब्रेला होल्डर नहीं है भाई इसमें। ड्राइवर साइड से इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके का है, एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इसमें सीट मिलती हैं, आगे पीछे रिक्लाइन, हाइट एडजस्ट, ये सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं इसमें। एंड यहाँ पर दो पैडल्स दिए गए हैं, बोनट ओपन करने के लिए, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन, फ्रंट पार्किंग, एंड हेडलाइट लेवलर। ये देखो भाई, ये अपन को एसी वेंट मिलते हैं। यहाँ पर ये फ़ोन ऑन रखने के लिए इधर ये मैग्नेटिक पैड दिया गया है। स्टेयरिंग व्हील का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, लेदर में है, सेंटर में हुंडई की ब्रांडिंग है, लेफ्ट साइड में मल्टीमीडिया कंट्रोल, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल, एंड इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए क्विक शिफ्टर्स इसमें दिए गए हैं। ये देखो लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल लीवर है, राइट साइड में लाइट कंट्रोल लीवर दिया गया है। इग्निशन को ऑन कर लेते हैं भाई। इसके इग्निशन के ऑन होते ही मीटर की स्टार्टिंग एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्टार्टिंग जो है कुछ इस तरीके से होती है, वही मीटर है जो कि अपन को क्रेटा में मिल रहा है, ठीक है भाई। एंड ये जो सुइयां अभी इधर की तरफ हुई बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रही हैं, ठीक है। डिजिटल मीटर है, ये अच्छी बात है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये और भी अच्छी बात है। ये देखो बहुत सारे फंक्शन अपन इसको इसमें देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेल्टोस, क्रेटा, इनमें सेम ही मिलता है, ये टच स्क्रीन वाला नहीं है। इधर ये स्पीकर दिया गया है, डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का है। इधर ये अपन को काफ़ी प्रीमियम टच सॉफ्ट टच मिल जाता है, ये देखिएगा। इधर ये अपन को फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। ये रहा इसका ग्लव बॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस के साथ में है। को ड्राइवर साइड डोर, इधर ये डोर हैंडल, सनसेड, वैनिटी मिरर, कोई भी लाइट नहीं है इसमें, लाइट एलईडी में दी गई है, ठीक है। ये रहा इसका सनग्लास होल्डर, ऑटो डिमिंग IRVM। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक, ग्रे फिनिशिंग, तो एसी वेंट इधर ये सेंटर में दिए गए हैं। इधर ये एसी यूनिट लगा कर दिया है यार, इतनी प्रीमियम, इतनी लग्जरी कार है, इसको थोड़ा सा और अलग तरीके का उनको डिज़ाइन देना चाहिए था। यहाँ पर एसी वगैरह देख सकते हैं, लोपर है, फैन स्पीड क्या है, यहाँ से टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक एसी है, एंड डुअल जोन है जो कि काफ़ी अच्छी बात है ना, हजार लाइट, और ये सारे अब टच बटन हो गए हैं। यहाँ नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है, 12 वोल्ट का पोर्ट दिया गया है, 180 वॉट USB ए चार्जिंग पॉइंट है, एंड इसी के साथ साथ इसमें वायरलेस मोबाइल चार्जिंग का भी सिस्टम दिया गया है। ये रहा इसका गियर नॉब, ये देखिएगा रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, ड्राइव पर मुझे लग रहा है ग्रीन कलर होना चाहिए था, है ना। एंड ये रहा इसका नॉब, ये देखो ड्राइव मोड इसमें दिए गए हैं। ये रहा स्पोर्ट मोड, नॉर्मल मोड, इको मोड, स्पोर्ट मोड एक्टिवेटेड। ये देखो कितनी जल्दी जल्दी ये चेंज हो रहा है, क्या ज़बरदस्त है, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, व्यू, यहाँ से ये कैमरा देख सकते हैं अपन इसका। ये देखो केवल 2D में ही नहीं, 3D में भी मज़े ले सकते हैं। ये आ गई अपनी अल्कज़ार, खड़ी नई वाली है सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में, ये देखो, ठीक है।
काफ़ी अच्छा व्यू और काफ़ी ज़्यादा व्यू दे रहा है। ये देखो ये रियर व्हील, ठीक है, एक बार फिर से मैं दबाता हूँ। यहाँ से सेटिंग, अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, है ना। कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन मुझे पर्सनली टाटा की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगती है 360 कैमरे के मामले में। इधर ये 2 कप होल्डर्स, एम्बियंस लाइट, एंड यहाँ पर ये मैट फिनिशिंग, पियानो ब्लैक फिनिशिंग, ये पार्ट जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम जेट उड़ा रहा हूँ। ये देखो ये रहा आर्मरेस्ट, इधर ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स इसमें मिल जाती हैं। यहाँ पर ये दिया गया है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, सीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड यहाँ पर ये अपन को ये देखो बॉस वाली सीट भी दी गई है, जो कि ड्राइवर भी कर सकता है सेट, और पीछे वाले पैसेंजर भी अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो भाई जो जो मिल रहा है इसकी फर्स्ट रो में सब कुछ मैंने आपको दिखाया। आइए बाहर निकलते हैं, चलते हैं इसकी सेकंड रो में, देखते हैं वहाँ क्या कुछ मिल रहा है। पीछे कैप्टन सीट है, ये वाला 6 सीटर वेरियंट है, इसमें ह्यूंडई यू कनेक्ट का फीचर मिलता है, ठीक है। एंड जो रियर वाला डोर है वो कुछ इतना ओपन होता है, ये देखिए। एंड भाई इसमें आगे पीछे करने के लिए मैनुअली करना होगा, ये देखिए रियर डोर। ये रहा इसका कंपनी फिटेड सन ब्लाइंड सन कर्टेन, ठीक है। एंड रियर वाली भी सीट वेंटिलेटेड दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये देखो बॉस का यहाँ पर स्पीकर, एंड इसमें अंडर थाई सपोर्ट भी एक्स्ट्रा दिया गया है, ये देखो, है ना। चलो मैं अंदर बैठता हूँ, ये देखो भाई मुझे तो इतने में ही ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, और अगर मैं इसको बढ़ा लूँगा तो भाई वाकई में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ है ये, एंड काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। ठीक है भाई लोग, ये भी सीट वेंटिलेटेड मिल रही है, अच्छी बात है। इधर 2 AC वेंट, 2 Type-C पोर्ट, एंड ये रहा इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके का, काफ़ी ज़बरदस्त है ना। यहाँ पर ये आर्मरेस्ट दिया गया है अपन को, एंड यहाँ से ही अपन इसकी थर्ड रूम में भी जा सकते हैं। यहाँ के कंफर्ट की अगर बात की जाए तो ये देखो कैसे भी बैठो अपने हिसाब से मज़े लेके। चलो पीछे चलते हैं। हाँ, ये इसमें जो बिजनेस क्लास में अपन को हेडरेस्ट मिलता है फ्लाइट में, वही यहाँ पर अपन को हेडरेस्ट दिया गया है, जो कि अपन को हैरियर एंड सफारी में भी मिलता है ना, ये वही चीज़। ये देखो इससे क्या है ना, सर को सपोर्ट मिल जाता है सोते टाइम। चलो पीछे चलते हैं, पीछे जाने के लिए कोई ज़्यादा खास मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। ओके, मैं आके बैठ गया हूँ भाई। पीछे एडल्ट को दिक्कत होगी थोड़ी सी, टाइप सी पोर्ट इधर ये दिया गया है, एसी वेंट दिया गया है, इधर ये फैन कंट्रोल करने के लिए है ना, ये देखो टाइप सी पोर्ट, एंड यहाँ पर मोबाइल होल्डर या फिर कप होल्डर, इधर भी लाइट मिल जाती है अपन को। एडल्ट को तो भाई दिक्कत होगी, देखो मैगजीन होल्डर है क्या, शायद है, नहीं है, आगे है। तो भाई आगे तो कंफर्ट अच्छा खासा है, पीछे बच्चों के लिए थोड़ा सा कम कंफर्ट रहेगा, एंड हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, ये अच्छी बात है। चलो बहुत सुंदर, आइए बाहर निकलते हैं। उसके लिए इस तरीके से अपन को थोड़ी सी मशक्कत करनी होगी। एंड भाई इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, इसमें ना यहाँ पर ये प्लेट मिल जाती है अपन को। आइए अब इसका टेलगेट ओपन कर लेते हैं, देखते हैं वहाँ कितना स्पेस मिल रहा है। ये देखिएगा इतना स्पेस अपन को मिल रहा है, यहाँ पर भी बॉस का बूफर लगा कर दिया, स्पीकर लगा कर दिया, एंड इसके नीचे यहाँ पर अपन को टूल किट मिल रहा है। और ये क्या चीज़ है भाई, थोड़ा देख लें, ये क्या है, पंचर किट वगैरह है क्या, टायर मोबिलिटी किट है ना। और इसको बंद करने के लिए अपन को इस तरीके से बंद करना होगा, यहाँ पर एक कैमरा दिया गया है,
एंड स्पेयर व्हील कहाँ गया इसका? स्पेयर व्हील दिखा क्या? स्पेयर व्हील नीचे लगेगा लेकिन इसमें नहीं लगा, ठीक है? वही मैं ढूंढ लूँ यार, अंदर है नहीं, नीचे है नहीं, गया कहाँ? एंड ये जो डुअल बैरल एग्जॉस्ट है वो एक में से ही दो किए गए हैं, ये देख लो। बात कर लेते हैं इसके इंजन की। उसके लिए भाई यहाँ से इसके बोनट को ओपन करते हैं। ये रहा इसका 1.5 लीटर का CRDI 16V डीजल इंजन, जो कि BS6 फेज 2 वाला है। 4 सिलेंडर 4 वाल्व इंजन मिलता है अपन को इसमें। इसकी डिस्प्लेसमेंट है 1493 cc। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 114 bhp की 4000 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 250 Nm का 1500 rpm से लेकर 2750 rpm तक, है ना? ये देखो, ये रहा इसका वॉशर यूनिट, ठीक है? कुछ इस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन है। एंड बैटरी इसमें सोलाइट कंपनी की दी गई है, ये देखो, एमरॉन और एक्साइड, किया और ह्युंडई यूज़ नहीं करती है। कुछ इस तरीके से वो कवर भी लगा कर देते हैं, अब वो रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता। ये देखो इंजन पर कवर, यहाँ पर ये इंसुलेशन करके दी है जिसकी वजह से इंजन की साउंड केबिन में ना जाए। आइए बात कर लेते हैं इसके प्राइस, माइलेज, वारंटी की। ह्युंडई कंपनी अपनी इस नई कार पर 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए डीजल में, ये लगभग अपन को 18-20 के आसपास निकल कर दे देगी। फिर डिपेंड करता है कार कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। बात कर लेते हैं इसके सभी वेरियंट्स की और उनकी प्राइस की। भाई इसमें कंपनी ने मल्टीपल वेरियंट्स लॉन्च किए हैं। इसकी शुरुआत हो जाती है लगभग 15 लाख रुपए से, और ये जो मैंने आपको सिग्नेचर टॉप एंड वेरियंट दिखाया है, इसकी टॉप एंड में कीमत जाती है एक्स शोरूम में लगभग 21,55,000 रुपये। अच्छी बात ये है कि इसी रेट में आपको डीजल इंजन भी मिल जाएगा और पेट्रोल इंजन भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करना पड़े, ठीक है? ये अच्छी बात है। एंड ये ऑन रोड आते आते अपन को लगभग 24 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगी, और आप प्लस माइनस 10-20 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो, ठीक है? डिपेंड करता है आप किस सिटी से ले रहे हो एंड किस डीलरशिप से ले रहे हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस कार से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इस कार से संबंधित आपकी क्या राय है वो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड IB पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हां भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस, समय समय पर लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।